जेपीयू की शैक्षणिक व्यवस्था होगी दुरुस्त। नामांकन के लिए भटकने वाले छात्रों के लिए जेपीयू संवेदनशील है और छात्र हितों की रक्षा की जाएगी। उक्त बातें नवनियुक्त कुल सचिव डॉक्टर आर के बबलू ने कही। जेपीयू के 26वें कुल सचिव के रूप में अपने पदभार को डॉक्टर बबलू ने संभाला। निवर्तमान कुल सचिव कैप्टन शारदानंद झा ने नए कुल सचिव का स्वागत किया और अतिथि शिक्षकों ने भी कुल सचिव का स्वागत किया। श्री बबलू इससे पूर्व दो बार जेपीयू के कुल सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिसके अनुभव पर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। श्री बबलू ने कहा कि हर हाल में छात्रों और विद्यालय हित का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कॉलेजों और निजी कॉलेजों की समीक्षा कर नियमानुसार उनके संचालन की जरूरत की समीक्षा होगी। सर, पहली प्राथमिकता और सर्वोच्च प्राथमिकता है कि विश्वविद्यालय का सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके लिए मैं सदैव प्रतिबद्ध रहा हूँ, वह काम होगा। और छात्र हित, शिक्षक हित, कर्मचारियों के हित में और जितने लोग इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं उनके हित में जो भी जायज काम है, जो भी विधि सम्मत काम है, वह होगा। और वह करने के लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयत्नशील रहूंगा। यहां पिछली बार जब मैं था तब जिस महापुरुष और जिस विभूति के नाम पर यह विश्वविद्यालय है, उनके विचारों को पढ़ने के लिए, उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने यहां जयप्रकाश अध्ययन केंद्र का उद्घाटन करवाया था। और इसका उद्घाटन सुप्रसिद्ध समाजवादी चिंतक सचिदा बाबू के हाथों हुआ था। मुझे लगता है कि मेरे जाने के बाद काम जहां तक हुआ वहीं तक है, उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूंगा, यह भी मेरी प्राथमिकता के अंदर है। और सबसे एक चर्चित मुद्दा है यहां महाविद्यालयों का, नए महाविद्यालयों के खोलने का, तो छात्र हित में यदि ऐसा जरूरी महसूस हुआ कि हमारे क्षेत्र के छात्र सीट की कमी के कारण, महाविद्यालय की अनुपलब्धता के कारण या महाविद्यालय की कमी के कारण नामांकन से वंचित रह जाते हैं, तो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के जो भी प्रोविजन्स हैं और महामहिम कुलाधिपति के जो भी निर्देश हैं इस विषय में, उनका अनुपालन करते हुए नए महाविद्यालयों को खोलने पर भी सकारात्मक रूप से विचार। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।